नमस्कार, मैं हूं शौर्य और आप सभी का स्वागत है प्रभातखबर.com के वीकली एजुकेशनल न्यूज़ बुलेटिन में। इस बार हम बात करने वाले हैं आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट के बारे में, जो इस माह के अंत तक जारी किया जा सकता है। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कुछ सरकारी नौकरी के बारे में, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 30 अप्रैल तक जारी किया जा सकता है। अगर सूत्रों की माने तो 30 अप्रैल के सुबह 11 से 12 बजे के बीच में यह रिजल्ट जारी किया जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें और इसकी अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें प्रभातखबर.com के साथ। गुजरात 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 30 अप्रैल तक जारी किया जा सकता है। फिलहाल इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, पर सूत्रों की माने तो यह रिजल्ट 30 तारीख को सुबह 11 बजे के आसपास जारी किया जा सकता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें और जुड़े रहें प्रभातखबर.com के साथ इसकी अधिक जानकारी के लिए। आने वाले 15 मई को सीमेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो फिलहाल खोला जा चुका है और इसके लिए अगर कुछ आपको सुधार करना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपने एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। UPSC ने असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 14 मई तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा आधिकारिक वेबसाइट पर और सारे स्टेप्स को फॉलो करके आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। इंडियन नेवी में 8वीं और 10वीं पास युवाओं को नौकरी करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। 300 से ज़्यादा पदों पर इंडियन नेवी नियुक्ति कर रहा है। अप्रेंटिस पदों के लिए नियुक्ति की जा रही है, जिसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और विभिन्न पदों पर अप्लाई करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा। इस बार के वीकली एजुकेशनल न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही, तो बने रहे प्रभातखबर.com के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।